Hello, listeners. Welcome to the online class of Zoology. Today, we are going to do the topic of fish biology, which is the special paper in MSc Zoology and semester third. In the last class, we did part one of Dipnoi. डिप्नोई जो कि लंग फिशेस होते हैं और उसके बारे में जो जनरल थोड़ा मैंने आपको बताया था कि डिप्नोई होता क्या है फिर ओरिजिन के बारे में बात की थी फिर लंग फिशेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है और जो मॉडर्न लंग फिशेस हैं उनकी जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है वो किया था अपन ने फिर मैंने आपको लंग फिशेस के बारे में कुछ की करेक्टर्स बताए थे जैसे कि भाई इसमें सिंगल डॉर्सल फिन होता है देन नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं देन प्रेजेंस ऑफ क्लोए का बताया था फिर सबसे ज़रूरी बात कि इसमें लंग प्रेजेंट होता है और क्रशिंग uh, प्लेट्स होते हैं हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है जिसमें कि दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल uh, होता है नोटोकॉड जो होती है वो अनकंस्ट्रक्टेड होती है इसमें जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक होता है यानी कि जो पैलेटो क्वाड्रेट है वो डायरेक्टली क्रेनियम से फ्यूज्ड होता है और जो इसके अंदर मैक्सिला और प्री मैक्सिला जो होते हैं वो इसके अंदर एबसेंट होते हैं फिर थोड़ा सा मैंने आपको डिपटेरस जो कि फ़ॉसल डिपनोअन है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो फॉसल डिपनोन वो डिवोनियन पीरियड का होता है और इस तरह से थोड़ा सा अपन ने बात करी थी डिपटेरस का डायग्राम भी मैंने आपको बताया था फिर बताया था कि किस तरह से सीरे टोडस जो है वो डिवेलप हुआ इन द एंड ऑफ द डिवोनियन पीरियड और जो किस तरह से उसमें चेंजेस हो गए फिर डिप टेरस में एंड इट गेवराइज टू दी सीरेटोटस और उसके बाद में फिर uh, जो मॉडर्न फिशेस जो सर्वाइव कर गई हैं उसके बारे में uh, जो है आगे अपन बात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको डिप्नोई का जो क्लासिफिकेशन है वो करना होगा तो क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि जो क्लासिफिकेशन है लंग फिशेस का वो जैसे कि नाम है जैसे कि कॉमन नेम है इसका लंग फिशेस तो लंग पे बेस्ड जो है इनका क्लासिफिकेशन है ठीक है अब इस तरह से जो डिप्नोई है डिप्नोई जो क्लास है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है दो ऑर्डर्स में डिवाइडेड है रादर वी शुड से दैट पहला ऑर्डर होता है मोनो और मोनो का मतलब है कि इनमें एक ही लंग प्रेजेंट होता है ठीक है एक ही लंग प्रेजेंट होता है इसमें और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है न्यू टोडस दूसरा जो ऑर्डर है इसमें उसमें जो लंग्स हैं वो दो लंग्स होते हैं मतलब होते हैं बायलोप लंग्स प्रेजेंट होते हैं इस वजह से इसको अपन बोलते हैं डाई और इसके जो बाकी जो दो फिशेज हैं सर्वाइविंग फिशज़ हैं लंग फिश की वो है लेपिडोसाइरन एंड प्रोटोपटेरस टेरस, प्रोटोप टेरस। ठीक है तो इस तरह से न्यू सीरेटोडस लेपिडोसाइरन और प्रोटोपटेरस इस तरह से दो ऑर्डर्स में ये डिवाइडेड हैं ठीक है तो ये जो तीन सर्वाइविंग जेनरा हैं डिपनोई की इसके बारे में हमको पढ़ना है आगे अब थोड़ा सा ये बता दें आपको कि जो मॉडर्न लंग फिशेस हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकन्टीन्यूस है मतलब एक किसी कोने में है एक किसी कोने में है एक किसी कोने में समझ रहे हैं आप यानी कि दे आर जोग्राफिकली आइसोलेटेड ठीक है एंड जो ये डिसकन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है लंग फिशेस का ये एक्चुअली सपोर्ट करता है उस थ्योरी को जो कि जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ठीक है उसको सपोर्ट करता है तो ये सजेस्ट करता है कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं दे वर वंस जॉइंट एंड दे हैव ड्रिफ्टेड नाउ दे हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट ठीक है मतलब पहले जो कॉन्टिनें थे वो सारे एक तरह से ज्वाइंट थे लेकिन अब वो धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए हैं तो इसलिए उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं एक जोग्राफिकल टर्म है जो कि यू शूड अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ लांग फिश अब सबसे पहले हम जो सर्वाइविंग जो मॉडर्न लांगफिश है उसमें हम बात करेंगे न्यू सीरेटोडस की जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक ही लंग होता है और इसमें आप देखिए इसका डायग्राम आप बहुत ध्यान से देखिएगा फिश का ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं और इसका जो न्यू टोडस फोर्स टेरी है ये और ये के जो मतलब इसकी न्यू टोडस की ये ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है जो फोर्स टेराई जो है एफ ओ आर एस टी ई आर आई और जो न्यू सीरेटोडस है देखिए आप इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसके पेयर्ड पिंस जो प्रेजेंट हैं इसमें वो दे आर पेडल लाइक दे आर पेडल लाइक मतलब इनका इस तरह से मैं आगे, आगे आपको बताऊंगी कि इनके जो पैडल इस तरह के होते हैं देखिए आप कि कैसे मतलब आराम से ये स्विम कर सकते हैं विद देयर पैडल लाइक पेयड फिन्स अब न्यू सिरेटोडस की आगे हम बात करें तो जो न्यू सिरेटोडस है जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ये जो फॉसिल फॉर्म हुआ करता है सीरेटोडस उससे काफ़ी रिजेंबल करता है इसलिए इसको नाम न्यू सीरेटोडस दिया गया है क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस थोड़े बहुत हुए हैं जो कि न्यू चेंजेस इसके अंदर हुए अदरवाइज़ ये इसने पूरे अपने जो सीरेटोडस के जो प्रिमेटिव फीचर्स जो हम कहेंगे उसने उसको रिटेन किया हुआ है अभी भी ठीक है तो इस तरह से हम उसको न्यू सीरेटोडस को हम इस तरह से जो है बता सकते हैं कि उसने अभी भी सारे जो आ, पुराने फीचर्स जो कि एक फॉसिल में हम देखने को मिलते हैं सेरेटोडस में वो सारे इसके अंदर भी पाए जाते हैं और लेकिन उसके बाद में उसमें बहुत कम चेंजेस हुए हैं और थ्री हंड्रेड मिलियन ईयर्स से वो ऑलमोस्ट अपने फॉसिल जो है उसके जैसा ही है और क्योंकि इसमें क्योंकि काफ़ी का जो फसल के जो करेक्टर्स हैं वो काफ़ी कुछ रिटेन्ड है काफ़ी कुछ उसके अंदर पाए जाते हैं तो इसलिए इसको हम एक तरह से लिविंग फॉसिल का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि लिविंग फॉसिल वही होता है कि जो कि सर्वाइविंग फॉसिल मतलब जो सर्वाइविंग एनिमल है सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर फॉसिल जो पुराना जो एनिमल है उसके काफ़ी करेक्टर्स होते हैं तो हम उसको लिविंग फॉसिल का नाम देते हैं कि इसके अंदर फॉसिल के काफ़ी कुछ करेक्टर्स पाए जाते हैं फिर आप ये बताएंगे कि ये जो है ये कहाँ पाया जाता है बुरनेट में होता है और क्वींसलैंड की भी कुछ रिवर्स में पाया जाता है ठीक है मतलब कौन सी रिवर है एक तो बुरनेट मतलब रिवर्स कौन सी है एक तो बुरनेट रिवर कहलाती है और एक है मैरी रिवर यानी क्योंकि फ्रेश वाटर है ना तो सिर्फ ये दो रिवर्स में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के दो रिवर्स में एक तो बुरनेट बी यू आर एन ई -E टी टी और दूसरा है एम ए आर आर वाई यानी कि मैरी बुरनेट और मैरी रिवर में पाई जाती है फिर इसकी जो लेंथ है ये करीब हो जाती है वन पॉइंट फाइव फ़ीट है ना मतलब इतनी लंबी हो जाती है कितना वन पॉइंट फाइव फ़ीट लंबी ये हो जाती है और इसका जो वेट होता है वो करीब होता है दस के जी के आसपास इसका वेट होता है और जो बॉडी होती है जैसे कि फ़िश की बॉडी कैसी होती है फ्यूसीफॉर्म शेप की होती तो इसके भी फ्यूसीफॉर्म शेप की है जैसे डायग्राम में आपने ही था एंड पूरे बॉडी पे इस पर कौन से स्केल्स होते हैं साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थोड़े बड़े साइज में बड़े होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिर इसमें जो पेड फिन होते हैं पेड फिन आपको अब तो आई गया होगा आपको पेड फिन कौन से कहलाते हैं पैक्टोरल फिन एंड दैल्विक फिन और जो पैक्टोरल फिन और पेल्विक फिन हैं ये दोनों कैसे होते हैं बाय सीरियल लोब फिन कहलाते हैं ये मतलब बाय सीरियल लोफ अपन कह सकते हैं कि जो जिन इसका एक और नाम होता है आर्किप टेरिजियल टाइप ऑफ पेयड फिन्स लो को अपन ये कह सकते हैं डायग्राम आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से देखिए इसका बीच में इसमें मतलब पत्ती जैसा है देख रहे हैं आप इसके अंदर के मीडियन जॉइंटेड एक्सेस है और फिर इसमें दोनों तरफ जो है वो जो है रेकल्स दोनों तरफ प्रजेंट हैं ठीक है ठीके? और आप यहाँ देखिएगा इसमें आप सीरेटो ट्रिकिया फिन रेस प्रेजेंटर जो बाय तभी बाई दो रेज में देखिए दो सीरीज में ये अरेंज हैं इसलिए हम इनको बाय सीरियल लोप फिन कहते हैं ठीक है तो इस तरह से डायग्राम जो है ये आप समझ लीजिए एंड दिस इज़ अ टिपिकल मतलब डायग्रामेटिकली आपको बहुत अच्छे से शो किया गया है कि बाय रेडियल जो बाय सीरियल सॉरी बाय सीरियल जो फिन होता है उसका जो डायग्राम होता है वो किस प्रकार का होता है फिर न्यू सीरेटोडस में डॉर्सल एंड एनल फिन जो होते हैं दे आर कॉन्फ्लूट विथ सर्कल फिनस ठीक है जो डॉर्सल और एनल फिन जो होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एक तो डॉर्सल फिन होता है वो अलग है समझ रहे हैं आप और एनल फिन अलग है लेकिन ये दोनों जो हैं वो पीछे जो कॉर्डल जो टेल के ऊपर सर्कल फिन होता है उसके साथ में मिले हुए होते हैं कॉन्फ्लुएंट होता है डायग्राम में आप अगर ध्यान दें तो आप ये देखेंगे कि सारा जो दोनों जो फिन हैं और जो कॉडल फिन है ये सारा एक ही तरह का फिन बना रहे हैं यानी कि जुड़े हुए होते हैं ठीक है देन आ, आप कह सकते हैं कि हाँ एक चीज़ और कि जो न्यू सीरे टूडस है, है ना इसके भले ही जो आ, जो पेड फिन हैं देखो आप पेडल जैसे हैं लेकिन ये लैंड पे वॉक नहीं कर सकता है ये पूरा टाइम पानी में ही रहता है ठीक है तो इस तरह से ये भी एक इसकी खास बात है नियोसेरे टू डस्कि ठीक है और ये वॉक नहीं कर सकता है इसके लिए जो ये चीज़ जो ऑब्जर्व करी थी ये वो एक अलेक्जेंडर एक जुअलॉजिस्ट हुए थे उन्होंने ये करा था 1975 में ये उन्होंने ऑब्जर्व की थी ये बात कि इट कैन नॉट वॉक ऑन द लैंड ऑल दो उसमें लंग प्रेजेंट है लेकिन फिर भी ये लैंड पे वॉक नहीं कर सकता है ये पानी में ही रहता है ठीक है इस तरह से अच्छा अब क्या है कि आ, जो न्यू सीरेटोडस है इसमें पांच गिल आर्चिस प्रेजेंट होते हैं क्योंकि फिश है, देखो गिल तो इसके अंदर है ही ना लंग तो इसमें है आ गया है करेक्टरिस्टिक फीचर बिकॉज पे इसको अपन जो डिप्नोई डाई उसमें कहते हैं तो इसमें है लेकिन जो मेन इसका जो ब्रीदिंग जो सिस्टम है वो गिल्स का ही है तो इट हैज़ फाइव गिल आर्चिस और गिल्स इसके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं ठीक है ठीके? और एक्सक्लूसिवली uh, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होते हैं सिंगल लंग प्रेजेंट होता है लेकिन वो तभी काम में आता है जब उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है या कभी वो स्ट्रेस में आ जाता है तो ही केवल वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन पे आ जाता है अदरवाइज तो वो गिल या एक्वेटिक रेस्पिरेशन पे ही रहता है वो ठीक है अच्छा कभी कभार जगह मान लो बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है और उसको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वो लंग जब भी यूज़ करता है ना जब भी वो पल्मोना रेस्परेशन जब भी न्यूसीटोडस यूज़ करता है तो उसमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर ग्राइंडिंग साउंड बनाता है एक पिक्यूलियर जो ग्रंटिंग जो साउंड होती है ग्रंट जैसा होता है ना इसके अंदर गलत लिखा हुआ है ग्राइंडिंग नहीं कहेंगे आप उसको आप उसको वर्ड यूज़ करेंगे ग्रंटिंग ग्रंटिंग साउंड यूज करता है जो कि एक तरह से ये बताता है कि किस तरह से जो जो एयर है वो माउथ से कैसे बाहर निकल रही है फोर्सिबली बाहर निकल रही है तो जब फोर्सिबली बाहर निकल रही होती है ना जब अपन भी कुछ पेंटिंग अपन करते हैं ना कई बार अपन भाग दौड़ के आते हैं तो अपन अपन भी सांस जोर से लेते हैं ठीक है तो इसमें भी क्या होता है कि जब बहुत स, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है बहुत उसकी ब्रीदिंग जब तेज़ हो जाती है तो इट मेक्स अ साउंड पिक्यूलियर साउंड दैट इज नोन एज ग्रंटिंग साउंड और इस तरह से अपन उसको कह सकते हैं ठीक है हाँ इट कैन नॉट वॉक ऑन लैंड वो मैंने आपको पहले ही बता दी ये चीज़ अब है एक और इसके अंदर पिक्यूलियर चीज़ है कि इसके अंदर ईस्टिवेशन या समर स्लीप नहीं होता है ठीक है इसके अंदर ईस्टिवेशन या समर स्लीप नहीं होता है और ये भी मैंने आपको पहले बताया कि इट लिव्स इन वाटर थ्रू आउट द ईयर इट डज नॉट कम ऑन लैंड और अगर इसको पानी से अगर हटा दिया जाए तो इट विल नॉट सर्वाइव इट विल डाई ठीक है अब अगर इसकी फीडिंग की बात करें क्योंकि अब जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ेगा ही तो इनकी जो फीडिंग होती है किस तरह से कहेंगे अपन कि दे फीड अपॉन स्मॉल लार्वे इसके अंदर लार्वा लिखा हुआ है प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लेना इसके एक्चुअली लार्वा है ये कि इट फीड्स अपॉन स्मॉल लार्वा और क्लस्टेशनस मॉलस्क और वर्म्स छोटे छोटे वर्म्स होते हैं उन पे ये फीड करके अपनी एनर्जी लेता है फिर स्पॉनिंग uh, होती है इसके अंदर और वो स्पॉनिंग कब होती है ड्यूरिंग दी मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर और एक और पिक्यूलियर क्या चीज़ है कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर क्या है कि मॉर्निंग आवर्स में ही स्पॉनिंग होती है ठीक है और फिर क्या होता है स्पॉनिंग के बाद में जो एग्स होते हैं दे आर लेड अमंग दी एक्वेटिक प्लांट्स जो मतलब तो प्लांट्स जो कि पानी के अंदर होते हैं उसमें ले करा जाते हैं उसके ऊपर लेकिन वो क्या होता है जल्दी ही बॉटम में सिंक कर जाते हैं और बॉटम में रहते हैं ठीक है फिर जब एग्स हैच कर जाते हैं तो जब लार्वा बाहर निकलता है तो उसमें एक्सटर्नल गिल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं नहीं होते हैं मतलब दे आर विदाउट एक्सटर्नल गिल्स और एक और बात है इसके अंदर कि इसके अंदर मेटामॉर्फोस uh, uh, जैसा नहीं होता है डायरेक्टली वो अडल्ट में ग्रो कर जाते हैं फिर जो ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक ही स्पीशीज़ न्यू सीरेटोडस की है और वो है फॉरेस्ट्री और इसके अलावा कोई स्पीशीज़ नहीं है और इसको न्यू का कॉमन नेम जो होता है वो कहाँ बेस्ड कैसे बेस्ड होता है बुरनेट आपको ध्यान तो मैंने आपको बताया था कि ये एक रिवर का नाम है ऑस्ट्रेलिया में और उस रिवर में ये पाया जाता है मैरी रिवर में और बुरनेट रिवर में तो इसलिए इसको कॉमनली वहाँ के लोग या कॉमन जो नेम है इसका लेमान लैंग्वेज में वो है बुरनेट सेलमॉन पुरनेट सेलमोन इसका कॉमन नेम है तो दिस इज ऑल अबाउट न्यू सीरेटोडस जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इसका डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया है तो ये मुझे लगता है अब आपको ये रिवाइज़ करना चाहिए जिससे कि अगर अपन इसको रिवाइज कर लेंगे तो हमें आगे जो लैपिडो है और प्रोटोप है उनको समझने में और भी सही रहेगा तो प्लीज़ डू रिवाइज बोथ द पार्ट ऑफ डिपनोई एंड जिससे कि हम आगे उसको प्रॉपरली हम कर पाएंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच